कौमी असेंबली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने के बारे में कहा कि जल्द शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया गया है। नून लीग के MNA रबते में हैं। पहले उनका टेस्ट करेंगे और फिर पार्टी में शामिल करेंगे। इमरान खान ने बताया कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। रात इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी लेकिन नहीं बढ़ाई। इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगी। इन्हें $2 अरब का कर्जा तो मिला जबकि $2 अरब तरसीलाते जर में भी कमी आ गई। इमरान खान ने कहा कि कौमी असेंबली में हम निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। इमरान खान ने जोर दिया कि कौफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। कौफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो इनकी जीत होगी। मैं भी चाहता हूं कि इत्तेहाद वाला काम खत्म हो जाए। कराची बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की कराची में हारने की अहम वजह तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है।